आइए सर, कैपिटल गेन्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था और आप मुझे बताओगे कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 45 और 45 ये कहता था कि अगर एक कैपिटल एसेट है और अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और अगर आपको प्रॉफिट्स हो गए तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? कौन से साल में, कौन सा प्रीवियस ईयर, इन विच ट्रांसफर टेक प्लेस। हो सकता है पैसा मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है तो उसी साल में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब क्या निकला, हम ड्यू बेसिस पे चल रहे हैं या कैश बेसिस पे चल रहे हैं? ड्यू बेसिस पे। सरकार कह रही है भाई तुम्हें पैसा मिले ना मिले, तुमने ज्वेलरी बेच दी पैसा मिले ना मिले, बट बेच दिया ना, तो जो भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगेगा। नहीं होता नहीं, ठीक है, जब तक तो ट्रांसफर नहीं करता। वो डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखी थी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? 2 clause 14। और मुझे आप बता दीजिए इसके अंदर पहले इंक्लूड्स पार्ट था, पहला पार्ट था बहुत ही वाइड था, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इनटेंजिबल, ऑफिशियल या फिर पर्सनल। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और तीसरा पॉइंट यूलिप। यूलिप के अंदर हमने नहीं जाना, अभी हम बहुत छोटे हैं, यूलिप डिस्कस नहीं कर सकते अभी हम। तो ये तीन चीज़ें जब इंक्लूड हुई थी तो मैं समझ आ गया था दुनिया जहान की सारी बातें कैपिटल एसेट के अंदर आ गई। फिर हमने एक्सक्लूड करना स्टार्ट करा था और सबसे पहले एक्सक्लूड करा था हर एक बिजनेसमैन का, हर एक प्रोफेशनल का स्टॉक बाहर कर दिया था, क्योंकि वरना तो एक एसी वाला बेचता तो उसको बिजनेस इनकम तो हो रही है, कैपिटल गेन भी हो जाती, जो कि सही नहीं था। तो भाई साहब आपकी अगर मोमोज की दुकान है, जूस की दुकान है, एसी की दुकान है, आपका जो भी स्टॉक है उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर हमने बाहर कर दिए थे आपके घर के सारे पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, इमूवेबल को बाहर नहीं करा मैंने, मैंने आपके घर को बाहर नहीं करा था, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, यानी कि एसी टीवी फ्रिज सबको कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ों को फिर इंक्लूड कर दिया था। कौन सी चीज़ों को? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, बुलियंस, वर्क ऑफ आर्ट, ऐसे करके मैंने इंक्लूड कर दिया था। सरकार ने इंक्लूड करा, आप समझ रहे हो ना क्यों इंक्लूड करा था? क्योंकि उसको पता है कि इन चीज़ों पर गेन होते हैं तो इसको कैपिटल एसेट बना दिया, और जिन चीज़ों पर लॉस होता था उसको बोला वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आपका कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब अगर आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर अगर आपको 100 crore का भी फायदा हो जाए तो भी उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेंगे। पीजीबीपी सेल्स है ना तेरी, समझ रहे? और बेटा फिर मैंने आपको बताया था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये भी हमारे क्या थे जी? ये हमारे कैपिटल एसेट नहीं थे क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही थी, बट लोग इतना ज़्यादा इसको इनकरेज इस स्कीम से नहीं हुए थे। फिर हमने एग्रीकल्चर लैंड की बात करी थी। कैपिटल एसेट दो तरीके के होते थे, या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता था जो आप अप टू हाउ मेनी मंथ्स तक होल्ड करो, 36 months, यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 36 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन कुछ केसेस के अंदर 36 months की जगह 12 महीने होते थे। कौन से एसेट थे बेटा बताओ वो? पहला हाँ सिक्योरिटीज थी, बिल्कुल, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बेटा एकदम याद होनी चाहिए, सिक्योरिटी और ब्रैकेट में अदर देन यूनिट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई। और तीसरा था हमारा जीरो कूपन बॉन्ड। इन केसेस में 36 महीने की जगह 12 महीने, कुछ केसेस में 36 महीने की जगह 24 महीने थे। कहाँ पर? इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, समझ रहे? स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। किसमें? ये उस क्लास के नोट्स है। तुम ऐसे बोलते हो कि मैं गलत लिखवाया इसलिए ये काम कर जाता हूँ, ठीक है। आइए ये यहीं के नोट्स हैं लक्ष्मी नगर के, जीरो कूपन बॉन्ड के 12 महीने तक, समझ रहे? मैंने ये लिखवाया था 36 महीने की जगह 12 महीने होगा इन तीन एसेट में। और सर जी लॉन्ग टर्म क्या होता है? जो कि शॉर्ट टर्म नहीं होता वो लॉन्ग टर्म होता है।
फिर इसके बाद आपने मुझे आगे पढ़ाने नहीं दिया था बेटे। सर 4 बजे छुट्टी है, अभी दे दो छुट्टी। ठीक है, कैपिटल एसेट या तो लॉन्ग टर्म होता है या तो शॉर्ट टर्म होता है, और इसको बेच के या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। आपको ये सेक्शन याद होने चाहिए, 229A के एसेट का होता है, 229B उसका होता है गेन्स का, और उसका 242A और उसके ऊपर जो गेन्स होता है वो 242B। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। सर जी ये गेन्स कैसे निकलेंगे? आओ बेटे आओ, सर कोई भी एसेट, अच्छा पहले कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म है, ये कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब पहले ना हम ये समझते हैं कि सर ये निकलता कैसे। मिस्टर ए purchased land and building on 10th April 17 and sold land and building on 15th August 22। मेरा आपसे सवाल, हालांकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, डिटरमाइन पीरियड ऑफ होल्ड। बेटा आपको ना पहले टाइम पीरियड से बताना मुझे। मेरा आपसे सवाल है, इस बंदे ने ट्रांसफ़र कब करा? 15 अगस्त को उसने बेच दिया, तो इसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है बच्चे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम विच डेट? मतलब ही इज़ द ओनर ऑफ दैट एसेट ऑन 10/4। ऑन 10/4 11th तो नहीं लग रहा ना कि आज खरीद, ऐसा नहीं। इसने 10/4 को ये एसेट का मालिक है, ये कब तक मालिक है? नॉट ऑन 15 भाई। मतलब तुम ये कह रहे हो, तुम जब खरीदते हो तो वो खरीद वाली दिन भी तुम्हारी, और जब तुम बेच रहे हो तो किसी बंदे ने खरीदा तो वो उसके लिए डे होगा। हाँ, और तुम लैंग्वेज को भी पकड़ो, मैंने क्या लिखवाया था? इमिडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ, तो मैं वो ट्रांसफ़र डेट ले भी नहीं रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल, आपको कितने साल और कितने दिन दिख रहे हैं वैसे? कहने से मतलब अभी थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ, 10/4/17 से एक साल कब कंप्लीट होगा बेटा? 9/4/18। एक ही केस में कराऊंगा ऐसे, जिससे आपको बस समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद 10/4/18 से लेके 9/4/19, 10/4/19 से लेके 9/4/20, 9/4/21, 9/4/22 एंड सम डेज, डेज भी निकाल सकते हैं हम। अप्रैल के कितने दिन हो जाएंगे? 21 मई नहीं, 9 तक ही काउंट हुआ है ना अभी, तो 30 में से 9 काउंटेड है, तो 21 अभी भी है ना। और मे के 31, 10 को तो गिनेगा ना, तू मालिक है ना 10 को, 10/11 9 तक काउंट करा है ना मैंने, तो 10वां दिन तू गिनेगा ना अभी। मे, देन जून 30, जुलाई एंड अगस्त के 14। इतना स्पेसिफिक जाता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन को समझ जाओगे आप तो हो जाएगा। तो मोटा मोटी सर जी ये बन गए 5 साल और कितने दिन हो गए बेटा? कुछ डेज हो जाएंगे, अब आप निकाल लोगे ना। 127 कितने डेज आ रहे हैं बच्चे? 127 पीरियड ऑफ होल्डिंग निकल गया। लॉन्ग टर्म on the basis of period of holding you determine whether the asset is long term capital asset or short term capital asset. In this case it is long term because it exceeds 36 months because it exceeds 36 months
या इट एक्सीड्स 24 मंथ्स. इट डिपेंड्स. लैंड में था वो, दैट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. 24 महीना चल, समझ रहे हो? तो आपको एसेट को देखना, उसके बेसिस पे डिसाइड करना. करेक्ट, 24 महीने. तो बेसिकली ये जो एसेट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. सर क्या एक एक दिन पे भी लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अभी तुमने ये लिखा है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ. इसने इस दिन ख़रीदा और इसने बेच दिया, मान लो 10/4/18 और 19 सॉरी मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कहाँ तक लूंगा वैसे? 24 कितने हो रहे हैं? डॉट 24 मंथ्स हो रहे हैं ना. सबको क्लियर है ना बात? 24 महीने बन रहे बिल्कुल. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म कैपिटल है. और अगर मैं बेटा इसको 11/4/19 कर देता ना, तो लॉन्ग टर्म बन जाता है. 24 मंथ्स वन डे, सो इट एक्सीड्स 24 मंथ्स, इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. क्यों जी, समझ आ रही है ना बेटा? 10/4/17 से लेके 11/4/19 दिस इज 24 मंथ्स वन डे. ओके, और ये आपका बन गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. स्ट्रेटेजी कहानी, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकल जाएगा किसी भी केस में. तो सर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग यू डिसाइड वेदर द एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. एंड इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो इसके ऊपर जो भी गेन निकलेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेंगे. लॉस भी निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता? मैंने 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी, 6 लाख की बेच दी मैंने, लॉस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है सर जी. तो आइए अब हम लोग गेन्स कैलकुलेट कर रहे हैं. गेन्स इंक्लूड लॉस, ठीक है? और ये कौन से सेक्शन में कैलकुलेट होता है? सेक्शन 48. तो आपको गेन्स भी कौन से होते हैं बेटा? या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म. सर जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे निकलते हैं? देखो बड़ा ही आसान है, ठीक है? एक बात बताओ, तुमने कितने रुपए में बेचा वो आ जाएगी तुम्हारी सेल कंसिडरेशन. इसमें से तुम कुछ लेस करते हो. चलो मैं इसको नीचे लिखवा दूंगा. सर जी सेल कंसिडरेशन आ गई. मान लो मैंने कोई चीज बेचा तो जितने का भी मैंने बेचा वो सेल कंसिडरेशन आ गई. आपके हिसाब से मैं क्या लेस करूं? कॉस्ट. हमें समझ आता है कि सर खरीदा कितने का, बेचा कितने का, प्रॉफिट आ जाएगा. लेकिन एक दो चीजें और हैं. एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ब्रोकरेज टाइप. भाई मैंने प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ की, 10 लाख रुपए की कमीशन लगी है, क्या सेल प्राइस को 2 करोड़ बोलूं या 2 करोड़ में से 10 लाख माइनस कर सकता? कर सकता, माइनस कर सकता. तो यहां पर एग्जांपल आ गया ब्रोकरेज. इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात नीचे नोट में लिखनी है. वैसे आप अभी मत लिखना वरना वो पता नहीं लगेगा क्या है. डिडक्शन ऑफ STT इज नॉट अलाउड. सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. मेरे शेयर्स भी कैपिटल एसेट होते हैं. जब मैं शेयर को बेचता हूँ तो कोई टैक्स लगता है, उस टैक्स को बोला जाता है STT. मैंने शेयर बेचे 1 करोड़ के, STT लगा 10 लाख का, क्या माइनस होगा STT? नहीं होगा. अंडर द हेड कैपिटल गेन.
लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही होता ये तो वो ना मेरा कैपिटल एसेट नहीं होता, वो मेरे बिजनेस के अंदर निकालता हूँ, तो वहां मैं पढ़वाऊंगा पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। ज्यादा डिटेल हो जाएगा, आप ये समझो कैपिटल गेन के अंदर एसटीडी की डिडक्शन आप मिलो। आज अगर मैं कुछ शेयर होल्ड करता हूँ, क्या मैं उसके अंदर वो मेरा बिजनेस है या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स है? सो दैट्स कैपिटल एसेट। लेकिन अगर मैं अपने आप को रजिस्टर कर लूँ एज दैट मेरा काम ही यही है, मैं डेली उठूंगा, मैं शेयर्स परचेस करूंगा, तो वो मेरे को जो भी प्रॉफिट होता है पीजीबीपी में होता। सो आई एम नॉट इन पीजीबीपी राइट नाउ। हमें जनरली हमने शेयर्स खरीद लिए हैं तो उसके ऊपर जो एसटीडी है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। एसटीडी तेरा एक खर्चा है जिसकी तेरे को डिडक्शन नहीं मिल रही, एंड इफ इट इज, अगर आपको किसी चीज़ की डिडक्शन नहीं मिल रही तो ऑटोमेटिकली वो टैक्सेबल, मतलब वो चीज़ हो गई है। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? इसके बाद सॉरी हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे सर ये क्या होता है? सर सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो समझ आता है, खरीदा है, ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, इंडेक्स्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा तसल्ली से। और ये कैसे निकलती है लिख रहा हूँ आपको, अभी पता नहीं लगेगा लेकिन आप लिखना है आपने, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इनटू सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई कुछ होता है, बताऊंगा आपको किस पेज पे लिखा है, ये आपको गिवन होता है, ठीक है? बेसिकली इन्फ्लेशन फैक्टर इन कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ अभी। अपॉन सीआईआई of year of acquisition 331 है शायद, 371 या 300 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये तो हमें याद रखना होगा, ये थोड़ी दिया रहेगा, दिया होता है वैसे, बट अभी तुम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तुम्हें एक तो याद हो ही जाता है, समझ रहे? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। सर जी ये क्या होता है? मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ। सर एक बात बताओ, आज अगर मैं अपने घर को बेचूं, मान लो अगर 2 करोड़ रुपए का घर बिकता है, हमने खरीदा था 25 साल पहले कितने रुपए का होगा? हो सकता है बेटा 10 लाख 20 लाख, तब बहुत बड़ी बात होती थी 10-20 लाख। मान लो हमने 25 साल पहले 20 लाख का खरीदा, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई है, तो मेरा सेल वैल्यू क्या हुआ? 2 करोड़। yes, और कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। मेरे प्रॉफिट कितने हो गए? 1 करोड़ 80 लाख। इज इट द करेक्ट प्रॉफिट? सर इन्फ्लेशन आपने फैक्टर ही नहीं करा, आप कॉस्ट पकड़ रहे हो 20 साल पुरानी, और आप सेल प्राइस पकड़ रहे हो आज का। आप अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेशन के प्रोसेस के थ्रू जाकर आज के हिसाब से कॉस्ट निकालिए उसकी, दैट इज योर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये कैसे होती है मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो घर बिका है बेटा 2 करोड़ का, ठीक है, और मैंने इसको जब भी खरीदा था, ये मुझे दिया होगा कि मैंने उस साल में खरीदा, तो ये मैंने खरीदा होगा, ये लिखना मत आप, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ। मैंने कितने में खरीदा था? 20 लाख का। सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अगर अभी जो साल चल रहा है, अभी कौन सा साल चल रहा है? 22-23, तो मेरे को ना 22-23 का ना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया होगा, ठीक है, मान के चल लो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 350। अगर इस साल मैंने बेचा है, आप इस साल गूगल करोगे सीआईआई ऑफ 22-23 तो 350 आ गया। अब नीचे कौन सा सीआईआई लेना है? जब मैंने एक्वायर करा, तो मैंने जब भी एक्वायर करा, मान लो 2003 में करा, 2003-2004 एग्जाम्पल के तौर पर, उसका सीआईआई है 110 हो सकता है, 112 हो सकता है, मुझे नहीं पता, 107 के आसपास, हाँ कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे मैं एक नंबर है सरकार निकालती है उसको इन्फ्लेशन के लॉजिक से, बस इतनी बात ध्यान रखना 2001 से पहले के नंबर नहीं है, उसके पीछे भी रीज़न दूंगा, ठीक है,
तो बेसिकली 110 है, आप मुझे बता दो आज के हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताओगे एक बार? 63 63 63 63, फिर दोबारा 63,63,000 636.63. आपको गेन कितने का दिख रहा है? मोटा मोटी 1.40 crores का इस तरीके से निकाला जाता है। आपको ये प्रोसेस समझ आया क्या है? इंडेक्स का मतलब समझ आया? अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर क्या लिखा होता है। अच्छा जी सर, तो हमने माइनस कर दिया। बेटे आपने एक चीज़ देखी है, कई बार होता है घर में रेनोवेशन भी कराई जाती है, ये तो खरीद हो गई। सर मैंने, सर जनरली होगा जब जैसे आपकी शादी होगी ना तो घर में रेनोवेशन होगी, क्या लग रहा है? सर पहले शादी की सोच रहे हैं। मेरे घर में रेनोवेशन हुई थी, दुष्यंत सर के घर में रेनोवेशन तो हो गई बेटे, शादी नहीं। उनके घर में जब रेनोवेशन हो रही थी तब भी मुझे लग रहा था अब बताएंगे होने वाली है शादी। रेनोवेशन को दोबारा रेनोवेशन की जरूरत पड़ रही है अब। ठीक है, तो ऐसा जनरली होता है, घर को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो वो भी खर्चा एक भारी खर्चा होता है, नहीं होता, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं छोटा मोटा नहीं बोल रहा, आपके घर में एक वायर खराब हो गई, आज एक इलेक्ट्रिशियन है उसने स्विच लगा दिया वायर, आप बोलो सर हमने इम्प्रूवमेंट करी है बहुत, ऐसे तो जुड़ता ही जाएगा बेटे 20 साल के अंदर। एक दिन पाइप टूट गई थी, समझ रहे हो? ऐसे वाली नहीं कह रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जैसे फॉल सीलिंग हो गया, जैसे मार्बल हो गया, फर्नीचर का वर्क ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं है छोटा सा ड्रॉअर बना दिया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगला पॉइंट होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तू लेट आउट प्रॉपर्टी को बेचेगा कैसे, समझाएगा मुझे? अच्छा तूने लेट आउट, मुझे लगा तू किराएदार है बेच रहा। मेरे को भी बता दे, मैं भी इधर किराए पर ही हूँ। किस चीज़ की डिडक्शन ली थी तूने तब? वो जनरल 30% स्टैंडर्ड थी। हाँ उस टाइम तो हाउस प्रॉपर्टी में ले रहा है 30%, अभी भी ले। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये होता है कि आपने कुछ भी खर्चा करा ना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, आपने जब भी ट्रांसफर करा उसका CII डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। नहीं मैडम, जब भी आपने इम्प्रूवमेंट करी है। सर जी मैंने 2010 में रेनोवेशन कराई थी, तो मैं 2010 और आज से कंपेयर करूँगा ना, खरीद से थोड़ा ना बार बार करूँ। तो अब आपका ये नोट हटा दूं मैं? ठीक है, आप अभी ना ये नोट बीच में आ रहा है, मैं जो लिखूंगा वो अभी नोट बीच में, मतलब बाद में लिखना। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो आया बेटा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आ सकता है, दिस कैन बी प्लस माइनस। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन बेटे बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद सरकार कहती है याद करो मैंने तुम्हें रिटर्न में बताया था एग्जेम्पशंस, पहली क्लास में सेक्शन 54 वाली एग्जेम्पशन, समझ रहे हो? वो कैपिटल गेन की होती है। देखो आपको एक बात बताऊँ, हो सकता है अभी हम इतना ज़्यादा ना कमा रहे हो लेकिन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उससे भारी लेवल पर गेंस आ सकते हैं, सोच के देखो, आ सकते नहीं आ सकते? भारी लेवल पे आ सकते। इसको ना एक बार भारी रख देना, भारी। ठीक है, भारी लेवल पर आ सकते गेंस या नहीं आ सकते?
जैसे बहुत ही नॉर्मल बात है, हो सकता है कोई इंसान 1,00,000 रुपये महीने कमा रहा हो, लेकिन उसको अगर गेंस होए ना, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, भाई पुश्तानी 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, आज करोड़ों की वैल्यू, करोड़ों के गेंस आ सकते हैं। और आप मुझे बता दीजिए उन करोड़ों के गेंस पे कितने परसेंट टैक्स लग जाएगा, क्या समझ कहती है तुम्हारी? 30%। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, कैपिटल गेंस के ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो 20% होता है लॉन्ग टर्म पर। इसके ऊपर भी एक क्लास लगेगी कौन से गेन पे कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन मोटा मोटी समझो लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट क्या है बेटा, 20%। सपोज करो मैंने अपना घर बेचा, मेरे को 2 करोड़ का फायदा हो गया, 2 करोड़ का 20% कितना हुआ मालूम है? 40,00,000 रुपये। बेटे 40,00,000 रुपये का टैक्स, यहाँ 1,50,000 रुपये, हाँ ठीक है, 40,00,000 रुपये का टैक्स। आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ सरकार को कुछ ऐसा देना चाहिए, ये ATC और ये क्या है, 1,50,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस, 40,000 रुपये, ये क्या होता है? तो सरकार ने बोला हुआ है कि हम तुम्हें कुछ ऐसी स्कीम्स देंगे जिससे तुम हमारे कहने पे इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे सारे गेन्स को एग्जेम्प्ट कर देंगे। सारे गेन्स डिपेंड करता है तुम कितना इन्वेस्ट करते हो। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात, अगर मैं घर बेचूंगा तो नया घर नहीं खरीदूंगा, सरकार बेनिफिट देती है उसका। मान लो मैंने ये वाला घर बेचना है और मैं कहीं और जाना है, तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, सरकार कहती है जितना पैसा तेरे को मिला ना उतने का घर खरीद ले, टैक्स मत दे। इसके ऊपर पूरी 1 या 2 क्लास लगेंगी। तो लिखने की बात यह है सरकार, अच्छा मैं कहाँ पे एग्जेम्पशन दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं GTA में से दे रहा हूँ आपको, आई मीन कैपिटल गेन्स राइट नाउ, कैपिटल गेन के अंदर ही हूँ मैं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54F, 54EC, 54B, etc. ये एग्जेम्पशंस माइनस हो जाए और फाइनली आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। 54EC एक्सेट्रा में हर बार सवाल आया आज। इसमें 1-2 सेक्शन और है, 54H है, एक्सेट्रा लिखा तो उसका मिल रहा हो, अभी इतना डिटेल नहीं जा सकते, जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो बता दो। वो ऑप्शन वो हम जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तब समझ आएगा, मैंने वो जनरल बताया। आप शेयर्स नहीं, कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीद सकते हो तो इसी में आते हैं, तो ऐसे करके कुछ चीज़ें। हाँ तो आपने जो बोला है ऐसा लोग करते हैं, तो उस प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है कि आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है? अरे नोट लिख लो। हाँ नोट लिख लो। 54B है ये। हाँ जी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज में आप ट्रांजैक्शन करते हो। मुद्दे की बात ये है, सेल में से कॉस्ट माइनस करा, कॉस्ट को इन्फ्लेट करा और ब्रोकरेज माइनस करी है मैंने। आगे बढ़ू, आ जाऊँ 2 मिनट में खाके? पहले ये लिख देता हूँ, चलो मैं 2 मिनट में आता हूँ यार, कुछ खाके आओ जी। सर जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बेटे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, एसेट तुमने बड़ा ही रिसेंटली परचेज करा होता तो उसके अंदर क्या होता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, जो कॉस्ट है वही रहती है, उसको बढ़ाई नहीं जाती, ठीक है जी? तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, सेल कंसिडरेशन, इसमें से लेस क्या क्या होगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ओके, जो भी ब्रोकरेज का होगा, और सेम पॉइंट STT की डिडक्शन नहीं मिलेगी। खरीदने पर कोई खर्चा आता है, वो तेरी कॉस्ट में जुड़ जाता है,
वो देख लेंगे अभी। लेस बच्चे यहाँ पे देखना, मैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा कितने में वो बता दो। और बच्चे मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिख रहा हूँ सिर्फ। हाँ शॉर्ट टर्म करेक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कुछ भी आ सकता है जी। एंड इतनी तो बात आपको समझ आ रही होगी ना, अगर लॉस होगा तो थोड़ा ना एग्जेम्पशन क्लेम करोगे, तो गेन आता है। तो यहाँ पर दोबारा से वही बात, एग्जेम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54F, etc. मैंने किसी लॉजिक से नहीं लिखा है कि कोई चीज़ लिखी या नहीं लिखी, वो हम बनाएंगे जब हम दो क्लासेस करेंगे एग्जेम्पशन। तो नेट नेट क्या आ जाएगा जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये आपकी कहानी होगी जी कैसे निकाला जाता है। इसी डाल दो, ईवाई नहीं है, ईसी है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। तूने डेढ़ साल पहले घर खरीदा और तूने उसको पूरा रेनोवेट कर दिया, हो सकता है नहीं हो सकता, तो कॉस्ट लूँ कि ना लूँ, तो ले ली फिर। मैंने आराम से बोला है, कोई फर्क नहीं, आइए यहाँ तक क्लियर है सर जी, आगे लिखना शुरू करो बेटा, और बहुत सारी बातें लिखवानी है बेटे। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, इन केस ऑफ एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/21, बिफोर 1/4/2001। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो क्या होता है ना, पहले ना ये डेट 3-4 साल पहले 1981 थी, 81 20 साल और पुरानी। लेकिन एक बात बताओ, आज भी कई घर ऐसे होंगे जो 50 साल पहले खरीदे हो, उसके ना कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हो सकता है अवेलेबल ना हो, और वहाँ से इन्फ्लेशन पकड़ के सरकार ना इतना लंबा काम नहीं करती। सरकार ने इन्फ्लेशन को भी पकड़ना कहाँ से चालू करा, 2001 से, ठीक है। तो आप अगर सरकार को बोलोगे ना कि तुम्हारा एसेट है 1980 में खरीदा था तुमने, सरकार कहेगी मैं आपसे ज़्यादा डिटेल नहीं मांग रही, आपके एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू बड़ा लंबा काम है ये। वैसे सोचो हर किसी का एसेट अगर तुम्हारा पुराना है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ये गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स हैं। मतलब इसमें होता क्या है, अगर तुमने आज उस एसेट को बेचा ना तो तुमको ना सर्टिफाई कराना पड़ता है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये है। तुम्हें मतलब किसी को वैल्यूअर को बुलाओगे, CA CSCMA को बुलाओगे, वो सर्टिफाई करता है कि इसकी वैल्यू ये है, ऐसे होता काम। सरकार के पास कोई नहीं है फेयर मार्केट वैल्यू, सरकार ने CA CSCMA के ऊपर छोड़ा हुआ। और आप क्या चाहोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा दिखा कम दिखा, ज़्यादा कॉस्ट है ना ये, ठीक है। अब एक बार मैं समझाता हूँ इसको। सो बेसिकली यू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इन केस एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। इसको ना हेडिंग बना लो, मतलब ये जो भी मैंने लिखवाया ना ये हेडिंग है। और अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सर आप इसमें बिफोर लिखा हुआ है, इससे पहले का है ना, अभी 1/4/2001 को या उसके बाद तो हो जाएगा। अभी एक बार बताता हूँ मैं,
इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय असेसी बिफोर 1/4/2001, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर करा है बिफोर 1/4/2001, दी असेसी, असेसी मतलब जो भी टैक्स पेयर हैज दी ऑप्शन टू टेक ईदर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है तुम्हारी, तो बेटर ही है। ये डिपेंड करेगा विच एवर इज, तुम्हारी सोच क्या कहती है सर, फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट। सर ये क्या बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, लिख लो भाई। पेपर में कुछ भी आ सकता है ना मैडम, आपके गेन्स कम आएंगे ना, दो हजार एक से आगे तक इन्फ्लेशन तो करूंगा ही ना आज मैं। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, जल्दी जा रहे हो उस पॉइंट पर अभी। हाँ जनरली, बट एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार आराम से सुन लो। सपोज करो आपने एक एसेट एक्वायर करा है और आपने एसेट को एक्वायर करा 1985 में, ठीक है। कैन आई से यू हैव एक्वायर्ड एन एसेट बिफोर 1/4/2001? अगर आप ये सोच रहे हो ना 1985 से आज तक का इन्फ्लेशन करोगे तो 85 से 2001 का कोई इन्फ्लेशन ग्राउंड अब नहीं है। इन्फ्लेशन ग्राउंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2001 नाउ। गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बिफोर 1/4/2001, तो जो भी होगा वो 2001 से ही आगे होगा, ठीक है। पहली चीज, आपने जो कॉस्ट है ना, आपने वो जो खरीदा था एसेट, वो कितने रुपए का खरीदा था? 100 रुपए। कब खरीदा था आपने? 1985 में आपने ज्वेलरी खरीदी थी 100 रुपए की, और 1/4/2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? और आगे और सुन लो आपको, ताकि पूरा ही दिख जाए। और तुमने उसको बेचा कब है? अभी कौन सा साल चल रहा है? 22-23। तुमने उसको 1 लाख का बेचा हुआ, मेरे को बता दो सेल वैल्यू 1 लाख। लॉन्ग टर्म तो दिख ही रहा है तुम्हें, बहुत पुराना है। मेरे को बता दो, मेरे को क्या पकड़ना है? कॉस्ट लेनी है। क्या मैं कह सकता हूँ ये एसेट 1/4/2001 से पहले का है? तो मेरे को, मेरे पास ऑप्शन है, आई कैन ईदर टेक कॉस्ट विच इज 100 और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मैं कॉस्ट कितनी पकड़ूंगा? 600। आगे सुन लो, हाँ 600, ठीक है। ये 600 कॉस्ट आ गई मेरी, ये 22-23 की कॉस्ट है, इसको मैं CII डालूंगा 22-23 का, CII ऑफ 2001-2002, इससे पुराना CII रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। गवर्नमेंट एक लेवल तक ही मेंटेन करती है, उसको रिमूव कर चुकी है। 2001-2002 से स्टार्ट हो रहा है आपका। आपको ये बात समझ आई? अगर आपको ये बात समझ आई, सर अगर 100 रुपये की कॉस्ट थी 1985 में और अगर इसकी मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 70 है, व्हाट डू यू थिंक? और मैंने उसको आज सेल कर दिया है 1 लाख रुपए का, तो मैं कॉस्ट लूँगा 100। मैं ले सकता हूँ 100 भाई, क्यों नहीं ले सकता? आई हैव दी ऑप्शन। मैंने हर बार क्या लिखा है? ऑप्शन टू टेक। ही हैज़ दी ऑप्शन टू टेक इधर फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो आप भी तो बेटे 100 रुपये ले रहे हो ना बेटा, 100 रुपये CII ऑफ 22-23
अपॉन सी आई ऑफ 2001-2002। अब आप ये बोलो सर ये 85 का ले लो सी आई, नहीं होता भाई अवेलेबल, सर पेपर में हो गया तो नहीं यूज़ करना आपको, 2001 से स्टार्ट। हाँ जी क्लियर है, अगर तू 70 लेगा तो आपको अपना पेपर ऐसे सॉल्व करना है जिससे क्लाइंट को बेनिफिट हो, समझ रहे? तो बेसिकली आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिनेरियो टैक्स में कोई भी गया, लीगल तरीके से तुम्हें टैक्स बचाना चाहिए, तो तुम 70 लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे बताइए समझ आया, ये एग्जांपल वैसे लिख लेना चाहिए तुम्हें या नहीं लिख रहे हो? ये दो केसेस बना दिए ना मैंने, ये दो केसेस बना लेना, और एक नोट लिख रहा हूँ अभी समझ नहीं आएगा लेकिन लिख लेना। चलिए एग्जांपल लिख लो एक बार, ज़ूम आउट इन, ज़ूम इन करना है, ज़ूम इन करना है। आयुष जी क्लियर है? आशीष को क्लियर है? हाँ जी, एफएमडी जो होती है वो आज के हिसाब से निकालते हैं, पहले के हिसाब से जो पुराने पुराने ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब मैं उससे पहले के बेसिस पे इसी तरीके से निकालेगा। साइंटिफिक लॉजिक्स होंगे कई, कि मतलब बहुत सारे तरीके होते होंगे, तो वो वैल्यूअर्स और इनके पास एक सरकार ने एक सिस्टम दे रखा होगा कि किसी चीज़ की अगर आज वैल्यू है तो बैकएंड में आपको कैसे वर्किंग करनी है, तो एक सिस्टम होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो कुछ ना कुछ तो लॉजिक सरकार ने दिया, वो आपको नहीं जानने, वो मतलब प्रैक्टिकल है। आइए एक नोट लिखवाना चाह रहा था मैं, नोट कर लिए बच्चे ये? बस बेटे 5 बजे तक खत्म कर दूंगा बेटा आज। प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, चलिए यार ये तो ऐसे यार, ये तो बढ़िया चल रहा है एकदम, मजा आ रहा होगा तुम्हें। अकाउंट से मैंने कुछ कराना ही नहीं है, आपने करना है इन्वेस्टमेंट। तुम भाई बहुत शरीफ हो यार, मैं जरा सा एक क्वेश्चन कराना है बस और कुछ नहीं। बहुत आसान है वो क्वेश्चन, इतना आसान है मैं तो सोच रहा हूँ कि बोलूँ क्या। इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपका एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज ऑन 1/4/2001 should not exceed stamp duty value। सर क्या बोल रहे हो सर आप, समझ आया आपको मैंने क्या बोला? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम बता चुका हूँ, सर्कल रेट होता था, अदर सोर्स में करा दिया। अगर ये बोल दोगे ना वो भी याद नहीं तो कोई बात नहीं, समझा दूंगा। हाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट होता था हर प्रॉपर्टी का, आपका जो घर है अगर आप उसको बेचते तो सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से कि वो इतने रुपए की वैल्यू इतनी है ही है, कि अगर मान लो मैं बोलूं कि मैंने अपने घर को बेचा और मैंने 1,00,000 रुपए का बेचा, क्या सरकार मान जाएगी? बोले बोलिए हमारे पास रिकॉर्ड्स है, इसकी कम से कम वैल्यू 1.5 करोड़ तो है भाई, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता था क्योंकि उसी पर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती। याद आया?
अब आप एक चीज सोचिए, ये इसका पर्पस क्या है, मैं बोल देता हूँ अब इसको। नहीं, इसका क्या इंटेंशन है मैं दिखाता हूँ, क्या इंटेंशन है मैं दिखाता हूँ। 1485 को मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी थी और वो 10 लाख की करी थी। इस लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज 80 लाख, बट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 is 50 lakhs. तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फाइनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा? 80 ले सकता हूं मैं? नहीं ले सकता सर। समझ आया? अगला आंसर दोगे तो समझ आएगा। स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा हुई तो हम बोल ले सकते कि ज्यादा है, ले सकता हूं। सपोज ले मेरे 90 लाख होता, तो 90 लाख तेरा फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड नहीं होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी 90 होता तो तू ले सकता। तो फिर उसको 90 लेते तो हाँ। नहीं, एक मिनट मैं बोल दूँ, अभी मैं कहीं और दिमाग में हूँ। नहीं नहीं ले सकते फेयर, नहीं ले सकते, ठीक है? फेयर मार्केट वैल्यू ही लेगा, ठीक है? नहीं नहीं ले सकता, वो नहीं लिखा हुआ कि अगर दोनों में वो हायर है, योर फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड। हाँ जी, एफ एम वी इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सिनेरियो एंड स्टैम्प ड्यूटी इज एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और जनरली ना स्टैम्प ड्यूटी बहुत कमी होती है फेयर मार्केट वैल्यू से। जैसे अगर तुम आज, अगर मैं बोलूँ ना, अगर तुम अपने घर को, तुम बोलो सर मेरे घर का वैल्यू अभी 2 करोड़, तो उसका सर्कल रेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ का जनरली 50% भी चल रहा होता है सरकार का रिकॉर्ड। हाँ, लॉस अभी नहीं समझ पाओगे, टैक्स ज्यादा लगेगा बेसिक बात है। क्या बोल रहे हो, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? एक बार इधर आ जाओ सर। मैंने 90 लाख की कॉस्ट थी, नाउ यू कैन टेक 90 लाख। मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ फेयर मार्केट वैल्यू पे बस। प्रोविजन क्या है तुम्हारा, ये जो लिमिट है ये इन दोनों के लिए है बस। कॉस्ट अपनी इंडिपेंडेंट चल रही है भाई, तुमको बस अपनी फेयर मार्केट वैल्यू जो है तुम्हारी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आप समझ गए मैंने क्या बोल दिया? आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। नहीं आया ठीक, आप सिर्फ चलिए, मेरे को पॉइंट नंबर 1 कॉस्ट दे रखी है, पॉइंट नंबर 2 ना, जब मेरे को ये दोनों दे रखा है तो मेरे को एक लाइन पढ़नी है जो कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी। तो इसका मतलब इन दोनों के एनालिसिस के बाद मेरी वैल्यू कितनी आई? 50 लाख आई ना, बिकॉज माई फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड। तो 10 लाख या 50 लाख? 50, ठीक है जी। इस लाइन को बस मैं स्टैम्प ड्यूटी से रिलेट करूँ। अगले केस में मेरी कॉस्ट है 90 लाख, दूसरे केस में मेरे को ये दोनों डिटेल दी हुई है और बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी। तो ठीक है जी, लिमिट नंबर 2 क्या बन जाएगी? पर 90 और 50 में तो 90 ही ऊपर है ना। मैं कहीं पे लिख रहा हूँ कि कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, ऐसे थोड़ा ना लिख रहा हूँ मैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? ये पेपर में आता है और ये डिटेल्ड पॉइंट है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि अभी ऊपर ऊपर का चल रहा है, काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है। चलिए, क्लियर है? शिवम ने जो बोला वो आपने मना कर दिया, और फेयर मार्केट वैल्यू अगर कम होगी तो? क्या बोला था? जो फेयर मार्केट वैल्यू अगर कम होगी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू ही चलेगी। क्लियर है? आइए, लिखा नहीं है, चलिए अगला नोट लिखना बेटे। अभी तक मैंने जो कराना था ना वो मैंने शुरू भी नहीं करा,
ये पिछली क्लास का जो आपने जल्दी छुड़वाया ना, ये वो हुआ है। मैं तो आ रहा था 10 बजे, फिर सब बच्चों ने लिख दिया 10 बजे मत लो। आज बहुत पढ़ाऊंगा तुम्हें, आज नहीं छोड़ूंगा। सर अब इन्वेस्टमेंट करो, खत्म हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट ही है तुम्हारी दिमाग की इन्वेस्टमेंट। प्लीज स्टिक टू द शेड्यूल। चलिए, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अलाउड। ओके सर, आप प्लीज ग्लिटर मत लो। ये इतना अच्छा लगता है यार, ये तो यूज नहीं करने देते यार। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे अभी, मतलब मैं नहीं बोल सकता इसको, तुमको नोट लिखना है बस, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। तूने बोल दिया तो बोल देता हूँ यार। सर जी ये प्रोजेक्टर कैपिटल एसेट है? कैपिटल एसेट है नहीं है बेटे, अगर गलत आंसर दोगे ना तो 15 मिनट ऐड होते जाएंगे। अब ये कैपिटल एसेट है, इसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन आ सकते हैं? आ सकते हैं। कैपिटल एसेट है, लॉस आ जाएगा, पर अगर कैपिटल एसेट है तो लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। हाँ अच्छा, नहीं तो एकदम 15 मिनट सीरियस हो गया उसको लेके, एकदम कह रहा गलत नहीं देना आंसर। ठीक है, तो ये कैपिटल एसेट है, इसको बेचूंगा तो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। ठीक है, लॉस आ सकती है, कैपिटल एसेट है, गेन भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। ये 6 साल पहले खरीदा था, इसको इंडेक्सेशन करूं? क्यों सर, उल्टा और कमी हो जाएगी वैल्यू। अच्छा, इज इट अ डेप्रिशिएबल एसेट? जो भी फिक्स्ड एसेट, जो भी तुमने अकाउंट से पढ़ा ना, जो भी चीज़ें, अब जैसे ये फैन है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ, तो इनको बोला जाता है डेप्रिशिएबल एसेट। बिजनेस के एसेट्स हैं, घर के एसेट्स की बात नहीं कर रहा। आप ये मत सोचना घर पे टीवी डेप्रिशिएट हो रहा, वो नहीं कर रहा बात। बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर जो एसेट्स होते हैं, वी क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट, सो दैट्स डेप्रिशिएबल एसेट। डू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू? मतलब अगर मैं बोलूँ, क्या मैं ले सकता हूँ फेयर मार्केट वैल्यू इसकी? नहीं ले सकता, पहले प्रॉफिट कम कर दिया, नहीं ले सकता सर। मतलब इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये चीज़ है ना, तुमको ना पीजीबीपी में समझ आएगी। सिर्फ ये समझो, फेयर मार्केट वैल्यू मैं नहीं ले सकता डिप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, छोड़ो ना डिप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, अभी नहीं पकड़ पाओगे। इनटेंजिबल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? मैं बोलूँ मैंने 1990 में गुडविल खरीदी थी, आप बता दो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। सर गुडविल भी कैपिटल गेन लगे, बिल्कुल लगेगा, एक क्लास लगेगी पूरी गुडविल के ऊपर। तो इनटेंजिबल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकल सकती है? नहीं निकल सकती। अब आप बोलोगे सेल्फ जनरेटेड, बेटा बाद में बात करेंगे, नोट्स बन रहे हैं। हाउएवर ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू इज अवेलेबल इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। बहुत ही अजीब बात, लेकिन यही सत्य है। सर बोनस शेयर की तो कॉस्ट भी नहीं होती। मैंने 1990 में बोनस शेयर मेरे को कंपनी ने दिए थे 0 के। डू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू? यस आई हैव।
मैं क्या लिख रहा हूँ, बोनस शेयर में आप फेयर मार्केट वैल्यू लेस। अब वो समझ आ गई बात, समझना नहीं है बस याद ही करना है बस। बोनस शेयर इंटेंजिबल एसेट थोड़ा होता है, डिप्रिशिएबल भी नहीं होता, लेकिन होता क्या है, देख बोनस शेयर की ना क्योंकि कॉस्ट जीरो होती है, तो टेक्निकली सरकार बोलेगी जब जिस चीज़ की कॉस्ट ही जीरो में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन क्यों दूंगी, बट वो दे रही है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, हालांकि यही चलो आपने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोनस के ऊपर बात करूंगा 15 मिनट आज नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज निल, बट यू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू। बोलिए सर, यहाँ तक क्लियर है? बोनस पे ना पहुँचूंगा, समझ रहे? आज नहीं, आज कुछ और बताना है, इन्वेस्टमेंट ही है। ये आखिरी बाण होता है ना स्टूडेंट का बोलने का, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे को समझ आए, मैं गारंटी। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? मैडम मैं बोल ही देता हूँ, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, बोनस पे मेरे को दोबारा बात करनी होगी। आपको ना 1988 में बोनस शेयर मिले थे, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी उसकी? निल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, बिकॉज दिस इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, फेयर मार्केट वैल्यू इज 100 और मैंने इनको सेल कर दिया है 22-23 में 1,00,000 रुपए का। तो सर जी, तो आपको ये तो दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म है, तो सेल वैल्यू 1,00,000 लेस, हालांकि बोनस की कॉस्ट जीरो होती है, बट कैन आई टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज माई कॉस्ट? यस आई कैन, इस लॉजिक से। बिकॉज दिस इज एन एसेट, द बोनस शेयर इज अ कैपिटल एसेट एंड इट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो आपके पास ऑप्शन। कौन सी वैल्यू लोगे उसको? कॉस्ट ले लो, मतलब आपकी मर्जी चलेगी, आपको क्या कॉस्ट लेनी है? तो मैं नहीं ले सकता ना, ये अगला बनाऊंगा केस। तो बोनस शेयर विच आर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, यू हैव बेनिफिट देयर, बिकॉज यू हैव दी ऑल दो बोनस शेयर की कॉस्ट होती है निल, बट अगर वो 2001 से पहले है तो सरकार फेयर मार्केट वैल्यू दे रही है आपको। लेकिन अगर यही बोनस शेयर आपने खरीदे होते 2005 में, कॉस्ट तो होती निल, पुलिस का कॉल आ रहा है। नहीं, वो स्कूल का फ्रेंड है, जान पहचान है बेटा हमारी पुलिस में, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, मेरे को बोनस शेयर मिले हैं, मेरे को 2005 में बोनस शेयर मिले, बोनस की कॉस्ट क्या होती है? निल। डू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट? सर कैसी बात करो, नहीं है सर ऑप्शन, नहीं मैडम ऐसे थोड़ा है। एक चार मैंने आपको ये क्या करवाया है, ये कोई ऐसे अपनी मन से डेट थोड़ा ना चेंज हो रही है। आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन कब है? जब आपने एसेट एक्वायर करा है 1/4/2001 से पहले। ये अगर आपने एसेट ही एक्वायर हुआ है आपका 2005 में, तो आप ऑप्शन थोड़ा ना ले लोगे। तो यहां पर सेल वैल्यू 10,00,000, कॉस्ट निल होगी,
लेकिन यहाँ पर कॉस्ट क्या आ रही थी, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू हो गई थी 100 इंटू जो भी सी आया करोगे आप, पूरा का पूरा गेन है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक हेडिंग लिखी है, नहीं आ रहा समझ, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है? तो मैंने जीरो ही लिया। बोनस शेयर की कॉस्ट होती है जीरो, आप कॉस्ट ले रहे हो जीरो, इसमें और क्या लॉजिक ऐड होगा? कॉस्ट जीरो है तो जीरो ले रहा हूँ मैं। तो वो वाले शेयर जब बेचेगा तो उसकी कॉस्ट उससे कंपेयर करूँगा ना। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं लगा सकता ना इन्वेस्टमेंट की तरफ। लेकिन अगर आपने, आपको बोनस मिले 2001 से पहले तो भी कॉस्ट जीरो होती है, बट यू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज योर कॉस्ट। हाँ जी मैडम, फाइव सिक्स में आपने जब शेयर आए बोनस, कुछ कॉस्ट लगी आप? नहीं लगी कॉस्ट ने। क्या मैडम? आप 5-6 FMV ऐसे नहीं, आपका जो साल का मन कर रहा है आप FMV ले रहे हो। इट इज फिक्स्ड ऑन 1/4/2001। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमारे पास कॉस्ट नहीं है चलो फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसे नहीं चल रहा। यू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ओनली फॉर विच डेट? 1/4/2000। हाँ, एसेट एक्वायर्ड, आपने एसेट खरीदे 1/4/2000 से पहले, अगर आपको 2005-06 में बोनस मिले तो आप ये क्लॉज में हो ही नहीं, आप FME की बात ही नहीं हो सकती उस पर। बिल्कुल तेरे को कोई चीज 0 rupees की मिली, तूने उसको 10 lakh का बेच दिया, तो तेरे हिसाब से प्रॉफिट क्या है? कितना प्रॉफिट है? 10 lakh का, तो 10 lakh ही हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? पूरा कैपिटल गेन मान रहे हो तो है ना, वो हुए तो है तेरे को, तुमको यहाँ पे बेनिफिट दिखना चाहिए कि सरकार ने 1/4/2001 से पहले हैज गिवन यू द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज योर कॉस्ट, और तुम नाराज हो रहे हो कॉस्ट जीरो हो गई, कॉस्ट जीरो हो गई। तेरे अलावा दुनिया में और भी तो लोग हैं, कई लोगों ने एसेट खरीदे हुए हैं, बोनस आए हुए हैं लोगों के पास। एक हेडिंग डालिए, पहली बता रहा हूँ 2:45 तक पढ़ाऊंगा, 3 बजे इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, 3 से 4। और ये क्या कह रहा है? ठीक है, कितने बजे तक? 2:45 तक। और ये ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं करते, प्यार से रिक्वेस्ट कभी मना नहीं। तुम कैसे बच्चों, इतने एकदम प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने करी है रिक्वेस्ट। हाँ, मंडे करवा दिया, तुमने कहा था मंडे कर दो हो जाएगा, मैं मान गया। मैं बता रहा हूँ यही यही ये जो स्टेप है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब अब आसान है, अब तुम ये मत सोचना अब दिमाग लगेगा, अब कुछ नहीं है बच्चों वाला, ठीक है। लेकिन बोलना है यार, बहुत जरूरी बोलना है, दो केस कराने हैं, बहुत जरूरी है।
हालांकि तीन कराने हैं पर तुम कराने नहीं दे रहे। परसों करा रहा हूं। हर बार ऐसे ही होता है, परसों वाले वाला जो कराना हो आगे जाएगा, नहीं जाता है यार। ठीक है, खींचना है अब। ठीक है, आइए। पतंग थोड़ा उड़ा रहे कैपिटल गेन्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमको ऐसा लग रहा है बहुत टफ है, तुमको पता नहीं है। आंखें बंद कर लो, सुनते रहो बस। तू कभी सो जाता है, कभी ड्राइंग करता है, सुन रहा है ना। कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। ये किसको बनाया? सर कुछ नहीं बनाया। अ टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अच्छा जी, इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यार ये ना सही से नहीं आ रही स्क्रीन ना। आओ बेटे, पहली बता देता हूँ क्या कराऊंगा, ताकि आपके भी मन में कोई शंका ना रहे, आपकी भी उम्मीदें ना जागे ऐसी। मैंने एक कराना है 45(1)(a) और एक कराना है 45(sub)(section). ठीक है, दो चीज़ें कराऊंगा और फिर आपको छोड़, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो फिर। फटाफट हो जाएगा। 45(1)(a) दिख रहे, थोड़ा सा लेफ्ट। 45(sub)(section)(2), बट एक बार 45(1)(a) देखते हैं। ये ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिस साल में हम ट्रांसफ़र करते हैं उस साल में टैक्सेबल होता है, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ये उस साल में टैक्सेबल नहीं होगा जिस साल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बल्कि उस साल में होगा जब मेरे को पैसा मिल रहा है। यानी कि सबसे पहला इंश्योरेंस रिसिप्ट या इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। सर जी एक लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं एग्जांपल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा हूँ, एक लैंड एंड बिल्डिंग है और वो डिस्ट्रॉय हो गई और मैंने उसकी इंश्योरेंस करा रखी थी। ठीक है, सबसे पहली बात, चलो मैंने एग्जांपल ऐसे देता हूँ, केस बना लेंगे। मिस्टर ए ने परचेज करी लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1892 फॉर ₹10 lakhs। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन 1994 इज
5 lakhs. ओके, फेयर मार्केट वैल्यू कौन से डेट की होगी बेटा? 1/4/2001 इज 50 lakhs. ओके सॉरी पर आनम नहीं है, घर की जो वैल्यू है भाई वो 50 लाख रुपए. सर रेनोवेशन बार बार हो सकती है नहीं हो सकती? तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन 1/8/2005 इज 10 लाख्स. मैंने फर्दर रेनोवेट करा और 10 लाख रुपए की रेनोवेशन और. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग गॉट डिस्ट्रॉयड. लैंड एंड बिल्डिंग गॉट डिस्ट्रॉयड इन प्रीवियस ईयर 2021. ओ माय गॉड, प्रीवियस ईयर 2021 में जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई बेटा. और अच्छी बात ये थी कि आपने उसकी इंश्योरेंस करा रखी थी. इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हाँ भाई तुमने इंश्योरेंस करा रखी थी, तुम प्रीमियम देते थे, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तुम्हें. Insurance claim received on 10/4/22. आपको निकालना है compute capital gains for previous year 2021, 2022, 2023. इतनी सी बात है. मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, इंश्योरेंस क्लेम की डेट क्या है? एडमिटेड 10/4/2021 का लिख ले, मतलब इसकी कोई डेट ऐसी होती नहीं है. 2021 में ही तेरे को पता लग गया कि भाई इतने रुपए का हुआ. मेरा आपसे सवाल, सबसे पहले बताओ कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? शुरुआत वहां से होती है. आऊंगा उस बात पे. सर ये कैपिटल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग है सर, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर है सर. सर ट्रांसफर हम समझते हैं आप बेचते हो, यहाँ पर तो कोई पार्टी नहीं है तो डिस्ट्रॉय हो गया. मैं जब आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन पे लेके जाऊँगा ना, तो अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय होता है तो उसको ट्रांसफर माना जाए, अगर उसकी इंश्योरेंस होती है तो. सपोज करो एक एसेट है, गहरा चला गया हूँ मैं, एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग है दैट आर डिस्ट्रॉयड, इट हैज़ नो इंश्योरेंस. तुमको फायदा होगा नुकसान होगा? सरकार कहती है ट्रांसफर नहीं है, समझ रहे हो? इंश्योरेंस है तो सरकार को लग रहा है ज़्यादा मिल सकता है तो उसको ट्रांसफर में डाला हुआ है, और भाई उसकी इंश्योरेंस ही नहीं हुई, पैसा ही नहीं मिलना. सरकार कहती है ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो लॉस आने थे. तो यहाँ पे कैपिटल एसेट भी है और ट्रांसफर भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया ना. ट्रांसफर की डेफिनेशन में दिखा दूंगा तुम्हें, लिखा होगा. तो इसका मतलब कैपिटल गेन तो लगेंगे, मतलब कंप्यूटेशन तो होगी. और कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होंगे? जिस साल में हमने अभी तक क्या देखा है, जिस साल में ट्रांसफर होती है. तो कौन से साल में ट्रांसफर हुई है? व्हाट इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर? इंश्योरेंस कंपनी जब तेरा एसेट तेरे हाथ से चला गया तूने ट्रांसफर कर दिया, अर्थक्वेक आया एसेट गायब, ट्रांसफर. ठीक है जी, ट्रांसफर कब हो गया बेटा? 2021 में. तो 2021 में कैपिटल गेन निकाल दो, या 2021 में कैपिटल गेन नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा.
कैपिटल गेन उस साल में निकलेगा जिस साल में यू हैव रिसीव्ड द कॉम्पेंसेशन एंड यू हैव रिसीव्ड द कॉम्पेंसेशन इन 10/4/22 यानी कि 22-23 में. तो वर्किंग तो होगी लेकिन कौन से साल में होगी. तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में अभी आ जाएंगे उसमें रैंडम ऐसे ही लिख दूंगा. एक नोट लिखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना. सारे बच्चे साथ साथ बना रहे थे ठीक है चलिए लिखिए. ऑल्दो द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड इन प्रीवियस ईयर 2021 comma but the insurance claim is received in previous year 22-23 full stop. Therefore capital gains would be taxable in the year of receipt. Year of receipt underline कर लेना बच्चे. That is previous year 22-23. यहाँ तक क्लियर है. तो अब हम और ये ना आप ये कह सकते हो कि अगर पेपर में आता है ना 21-22 का तो ये नोट आप लिख दोगे कि भाई देखो ट्रांसफर तो हो गया था 2021 में ट्रांसफर तो हो गया था पर सरकार को कोई टैक्स नहीं जाना. कैलकुलेशन ले दूंगा ही नहीं मैं उसको. लेकिन मुद्दे की बात ये है 22-23 में तो जाएगा. प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न भरूंगा तो उसमें तो जाएगा. आइए उसकी कैलकुलेशन देखते हैं. सेल कंसिडरेशन बताइए मुझे 1 करोड़. क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है. अब मैं आपको एक और चीज लिखवा रहा हूँ नोट लिख लो. इस वाले केस में तो कभी भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आ ही नहीं सकता. नहीं आ सकता. मैं लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अब मैं आपसे चलो कॉस्ट की बात कर लेता हूँ. पहले सर जी मैंने कितने रुपए का एसेट खरीदा था. इम्प्रूवमेंट को कंसिडर करूँ क्या. नहीं होती. ये नोट यही है 1/4/2001 से पहले की सारी इंप्रूवमेंट टोटली इग्नोर कर देनी है. आपको क्वेश्चन मिलेगा आप इसको काट देंगे. कोई काम नहीं है इसका. ठीक है काट दीजिए इसको और एक नोट लिख लीजिए. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 are to be totally ignored. कोई काम नहीं है उसका. 1/4/2001 are to be totally ignored. यार एक इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी ना मतलब लोग बोल रहे हैं जी हमने रेनोवेशन करा कहाँ देखूंगा यार उसके रिकॉर्ड. मैं फेयर मार्केट वैल्यू पे ला चुका हूँ आपके घर की फेयर मार्केट भी. यार आप रेनोवेशन करा रहे नहीं उस चीज़ को फर्दर लॉजिस्टिकली कनेक्ट कर सकता. हाँ जी 1/4/2001 टू बी टोटली इग्नोर्ड. अच्छा जी तो बाकी तो 2005 में इम्प्रूवमेंट थी वो बाद में देखेंगे. आप मुझे बता दीजिए मेरी कॉस्ट कितनी है 1,000,000 वर्सेस 5,000,000 तो मैं कौन सी कॉस्ट पकड़ूंगा बेटा. एग्जैक्टली तो जब मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा तो मैंने कॉस्ट कितनी पकड़ी 5,000,000. CII ऑफ कौन सा साल. मैंने लिखवाया क्या ट्रांसफर. तो ट्रांसफर का ही होगा. सर मुझे पैसे तो 22-23 उससे कोई मतलब नहीं है. तुमने तुम्हारा जब ऐसे ट्रांसफर हो गया तो आप ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे
मतलब ये करेक्ट फिगर नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। CII मुझे मान लो 21-22 का दिया हुआ है 300 और CII 20-21 का 300 है और 22-23 का 330 है। मुझे बताइए मेरे को कौन सा कंसिडर करना है? 300 लेना है भाई, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। तो CII ऑफ ट्रांसफ़र है डिवाइडेड बाय CII ऑफ एक्विजिशन, तो वो 2001 हो गया, वो 100 होता है। ठीक है, स्टार्ट हमेशा 100 से ही है, वो बेस उन्होंने 100, तो कितने 300 था ना, 300 बटा 1.5 करोड़ हो गया। कोई बात नहीं, हो सकता है लॉस आ जाए, इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा हो सकता है करेक्ट वैल्यू नहीं देती प्रीमियम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉस कितना आ गया बेटा, तो ये लॉसेस है मेरा, ओ सॉरी मैं भूल ही गया, लॉस अभी और बढ़ेगा। सर 1.5 करोड़ कॉस्ट तो आ गई, लेकिन बेटे आपने रेनोवेशन भी तो करी थी ना बच्चे। 1-8-2005 आप मुझे बताइए कौन सा साल है? 2005। हाँ, तो CII 2005-2006 की भी होगी और मान के चल लो ये 150 मान लो, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना अमाउंट था? 10 लाख रुपए, 10 लाख इंटू CII ऊपर 300 और नीचे क्या रहेगा? 150, 20 लाख, 70 लाख का नुकसान आएगा। आपके दिमाग में एक पॉइंट हो सकता है, आज बोल देता हूँ सर, अगर मैंने जस्ट पिछले साल ही रेनोवेशन कराई हो, डिस्ट्रॉय कब हुआ है? 2021 में मैंने 2021 में ही रेनो 19-20 में कराई थी उसको इंडेक्स करूँ? बिल्कुल करूँगा। आप ये मत सोचो कि ये 3 साल का गैप होना चाहिए इंडेक्सेशन है उसमें, ये थोड़ा ना, अगर सेम ईयर में होगा तो वो सेम इंडेक्सेशन हो जाएगा तो वही आएगा, बट अगर 1 साल का भी फर्क है तो चेंज होएगा। ठीक है, सो इफ इट इज लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन करनी है, मैं मुझे बताइए समझ कैसे बोलना चाह रहा है, शॉर्ट टर्म के दिखाया था ऊपर लिखवाया था, उसमें सिर्फ CUA और CUI लिखवाया था, आपने इंटरेस्ट बोला। हां, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट ही नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट दे ही नहीं रही। अब चाहे तेरा 2 साल का गैप है, जस्ट 24 महीने, इंडेक्सेशन नहीं है भाई। इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इंडेक्सेशन नहीं कर सकता, समझ रहे? बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो ये आपका कौन सा हो गया जी, इंश्योरेंस रिसिप्ट 45(1)(a) किया है आपने, अज्यूम किया है? हाँ जी, अज्यूम कर, कुछ और सोच और भी कुछ अब तो पक्का क्लास लंबी चलेगी। सर भी मेरे टाइम पे एक टेस्ट क्लासेस रखते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट के लिए। ये देखो इतना छोटा टॉपिक है, ये थोड़ा सा कर लो, देखो 5 मिनट और, 5 मिनट करा के 1 घंटा कैंसिल करा दे। हाँ वो तो अच्छे लगते हैं कलर वाले तो। अच्छा ये वाला कराऊं या ना कराऊं? करा दूं, करा रहे हैं बच्चे, लास्ट में बच्चे बैठे एकदम एनर्जी से। सर कितना बड़ा टॉपिक है? बहुत छोटा, कितना सर एक्चुअल में बताओ? जितना ये है ना सर, ये बहुत बड़ा है सर।
उतना। सर ये बड़ा है सर, ये बड़ा था, इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्यूशन देख रहे हो? ये सेम चीजें लिखी हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्विजिशन, कुछ भी नहीं करा आप। मैं कह रहा हूँ आपने अगर ये नहीं करा ना तो फिर वो बात नहीं आई। एक टॉपिक कराया, थक जाते एक टॉपिक के बाद। ये बच्चों की इतनी उम्मीद थी अभी। ओबे देखो बच्चे कितनी उम्मीद से देख रहे थे आपको। आपने जो पहले बोला वो मानूंगा मैं, फिर उसके बाद। हाँ आशीष सर सर आप तो बिल्कुल जालिम टीचर हो गए हो सर। ऐसा बच्चे इतनी उम्मीदों से कह रहे थे सर सर आ जाओ, कह रहे जाओ मैं पढ़ाऊँ ना। लॉ की छुट्टी कल, छुट्टी है कल। खुशी जी भी थक गई। अब सर ने बोला मैं करने वाला था छुट्टी। यार ये ना बोल रहा है ये कराओ मुझे कराओ। ये देखो देर में तो हो भी जाता है। अच्छा मैं ये समझा नहीं रहा, एग्जांपल करा देता हूँ। चलो अब यार क्या बुलवा रहे हो यार ये। सर मिलते हैं परसों। चलो आओ ढाई बजे आओ, ठीक है ढाई बजे आओ। ढाई बजे अभी स्टार्ट कर दूं? मैक्सिमम 50 मिनट।